नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सिवान में खुला बिहार का पहला लग्जरियस कॉम्प्लेक्स। सिवान शहर के हॉस्पिटल रोड स्थित चंद्रिका टावर में बिहार का पहला हाई फाई लग्जरियस स्मार्ट सिनेमा घर खुल गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे 27 जून को दोपहर 1 बजे करेंगे। आपको बताते चलें कि इस सिनेमाघर में एक साथ 3 फिल्में चलेंगी, यानी कि एक ही भवन में 3 सिनेमाघर है। आइए देखते हैं इस सिनेमाघर के संचालक क्या कहते हैं। सिवान में पहली बार इतना बेहतरीन जो सिनेमा हॉल खुलने वाला है, उसके लिए क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है सभी मीडिया बंधुओं को। देखिए, सिवान क्या, ये मुझे लगता है पूरे बिहार का सबसे बढ़िया थिएटर होने जा रहा है, और आप लोगों से आशा है कि आप लोगों के माध्यम से पूरी जनता के पास ये पहुंचेगा, ये खबर जाएगी कि ये 27 तारीख को दिन में 1 बजे माननीय मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य मंत्री एवं कृषि मंत्री बिहार सरकार द्वारा के कर कमलों द्वारा ये उद्घाटन होने जा रहा है। अच्छा, इतना बेहतरीन खोलने का क्या उद्देश्य था कि सिवान में इतना बेहतरीन, जैसे सफारी ने आपने दिया, उसके बाद हरी लाल दिया और फिर एक बेहतरीन सिनेमा हॉल? देखिए, सिवान मेरा जिला है, मेरी पैदाइश सिवान की है, मैं रहने वाला, मेरी 7 पोस्ते सिवान से हैं और मुझे जो कुछ भी मिला है वो सिवान के समाज से ही मिला है। तो जो ये कर्ज समाज का है, इसको तो फिर लौटाना मुझे ज़रूरी है ना, समाज को। तो ये हमारा, चूँकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मेरा यही तरीका है समाज को कि जो जिसके लिए सिवान के लोग बाहर जाते थे, या फिर कोई आता भी था तो पूछता था कि सिवान में कुछ है कि नहीं, तो लोग कहते थे कुछ नहीं है। तो ये इसी यही सब सिवान की एक तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जो कहिए एक बिजनेसमैन ही आगे आएगा तभी सिवान डेवलप कर। इसके बाद भी कोई बड़ा धमाका सर अभी तक तो नहीं है? एक तो अभी इसी में गेम जोन आना है बच्चों के लिए, वो 2-3 महीने बाद स्टार्ट होगा। अच्छा, माननीय मंत्री मंगल पांडे उद्घाटन करेंगे, उनके साथ और भी कुछ लोग होंगे क्या, या चीफ गेस्ट वही है? नहीं, चीफ गेस्ट और उद्घाटनकर्ता तो वही हैं, लेकिन साथ में उनके हमको लगता है 3-4 विधायक होंगे और भी मंत्री कुछ आ सकते हैं जी। सिवान के लोगों से क्या अपील करेंगे, इतने बड़े इसका कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हो रहा है? सिवान से लोगों से यही अपील है कि आइए, देखिए और मजे कीजिए। चलिए सर, इधर एक सवाल होगा, क्या विशेष होगा जो जब आप मल्टीप्लेक्स कहते हैं तो बड़े शहरों की तस्वीरें आने लगती हैं, जो PVR प्रिया जैसे मल्टीप्लेक्स के, आप में क्या यहाँ पर विशेष होगा? ये सबसे हटके है, अभी आप लोग विजुअल्स लेंगे तो देखेंगे इसका जो सीट्स है, रिक्लाइनर है, ये सबसे PVR से हटके है। ये यहाँ अलग ही फीलिंग आएगी आपको मूवी देखने की, बिल्कुल आपको लगेगा कि एकदम किसी लग्जरी एकदम हॉल में बैठ के देख रहे हैं। 3D सुविधाएं होती हैं, डॉल्बी डिजिटल की सुविधा, ये तमाम 3D स्क्रीन तक है इसमें, डॉल्बी डिजिटल तो बहुत पुरानी सर। एक साथ 3 मूवी देख सकते हैं इसमें? बिल्कुल, एक साथ 3 मूवी, मतलब 3 हॉल है इसमें, 3 अलग अलग। कितने कितने सीट, कितना कैपेसिटी क्या है? टोटल कैपेसिटी 305 है, 125 है, 110 है और 170 है। सर, अगर फिल्म देखने की असुविधा दे रहे हैं, क्या लगता है कि वो कितना कॉस्टली होगा और आम लोग? बिल्कुल, ये कल तक ये सब क्लियर हो जाएगा कि क्या टिकट्स के रेट्स होंगे और टिकट्स के साथ क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी आपको। सर, ऑनलाइन बुकिंग होगा इसका? बिल्कुल ऑनलाइन होगा। 27 जून का ओपनिंग हो रहा है, उस दिन कुछ ऑफर रखा गया है, कुछ फ्री में सुविधा दी जाएगी, कुछ ऑफर ताकि लोग आएं? ऐसा तो कुछ नहीं है, ओपनिंग के दिन का अभी कोई सुविधा नहीं है, लेकिन एक हफ्ता तक, ओपनिंग से एक हफ्ता तक कुछ कंपनी की तरफ से ऑफर आने वाले हैं। जो टिकट जो कटेगा, जो भी गेस्ट आएंगे, जो भी देखने आएंगे, जो भी इंजॉय करने आएंगे, उनको अपने तरफ से कंपनी कुछ इंजॉयमेंट का भी और अलग से। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ, ये कंपनी है, एक सीरीज ऑफ सिनेमास है? नहीं, ये कंपनी है, सीरीज ऑफ सिनेमा हॉल, ये बेसिकली अहमदाबाद की कंपनी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पूरे बिहार में कहाँ कहाँ इसका ये? अभी तो पटना में है, पटना में 3-4 है, पटना में 3 के बाद सिवान में, पटना नहीं, पटना कटिहार है, नवादा जी। हमारा 20 बजे के इन फ्यूचर में। चलिए, सिवान के लोगों से क्या अपील? एक बार अपील तो सिवान के लोगों से यही अपील है, सिवान की सारी जनता से, कि आइए और ये आपके लिए बनाया गया है, आप इसके मजे लीजिए। थैंक यू। ठीक ये बताएंगे सर, बुकिंग करने के लिए कैसा कैसा साइड है, क्या क्या इसकी व्यवस्था है?
एक तो हो गया सर अपना एक रेगुलर जो चल रहा है अपना बुक माई शो हो गया, दूसरा एक हमारा कंपनी का खुद का वेबसाइट है द टिकटिंग thetickettingcom वाला, तो उसके ऊपर भी आप कर सकते हो। फिर से क्या क्या फैसिलिटीज हैं वो बताइए, बुकिंग करने के लिए कैसे लोग संपर्क करेंगे, कोई नंबर भी है या डायरेक्ट वेबसाइट से? टेली बुकिंग भी होगा, बॉक्स ऑफिस भी आप टिकट ले सकते हो, बुक माई शो से भी आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। ऑनलाइन हमारा खुद का एक वेबसाइट है कॉम्प्लेक्स के नाम से, कॉम्प्लेक्स के नाम से खोजें सर्च में, खुद का एक वेबसाइट है जैसे बुक माई शो का वेबसाइट है वैसा खुद का हमारा बुकिंग किया हुआ है, वो भी लाइव हो जाएगा। एक समय क्या होगा फिल्म का, समय फिल्म का टाइमिंग कैसे कैसे रखा गया? सुबह 9 बजे से लेके रात को 10 बजे तक का उसका टाइमिंग अलग अलग रहेगा। एक लोगों में ये रहता है कि ऑनलाइन जो टिकट बुक करते हैं वो थोड़ा कॉस्टली होता है और ऑफलाइन जो आके करते हैं वो थोड़ा सा कुछ कम रेट होता है, क्या इसमें ऐसा लॉजिक? वो जो तो बुक माई शो का सर ये तो प्लेटफॉर्म है पूरा, घर बैठे आपको मतलब जो सुविधा दे रहा है बुक माई शो एक्स्ट्रा, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो वहाँ से चार्ज ज़्यादा लगते हैं बुक माई शो? हाँ यस सर। और डायरेक्ट लेते तो उसका चार्ज कम लगता है? हाँ डायरेक्ट लेंगे तो कम लगता है। कुछ आइडिया बता दीजिए क्या टिकट के चार्जेस शो के टाइम पे भी टिकट का कुछ शो के टाइम पे भी टिकट का कुछ कम बेस पैसा है कि सेम रेट रहेगा? अभी जो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे तो 200 से लेके 350 तक का प्राइसिंग मिनिमम रहेगा अभी। नहीं जैसे इन्होंने पूछा कि क्या समय के जैसे सुबह में कुछ और रेट, नाइट में कुछ होगा? ऑफर टाइम टू टाइम आता रहता है ऑफर कंपनी की तरफ से, मॉर्निंग आफ्टरनून जी। 9 से कितना बजे तक सोचा? 2 घंटे का सो या 3 घंटे का सो रहे हैं? जैसे मूवी पे डिपेंड करेगा सर, समय पर डिपेंड करता है। 3 मूवी लगेगी एक साथ में? 3 लगेगी, 3 भी लग सकती है, 4 भी लग सकती है, एक सिनेमा के अंदर पूरे दिन में 4। अच्छा मतलब 3 स्क्रीन है अपनी मूवी तो मल्टीपल लग सकती है, एक थिएटर में एक मूवी लगेगी ना? हां अलग में 400 होगा तो दो दूसरा 100 हो जाएगा। एक बॉडी के अंदर हमारा 500 चलता है पर डे का, तो अपना 1500 चलेगा, तो 1500 में अलग अलग 4 मूवी 5 मूवी भी हो सकता है। ठीक है ठीक, नाम बता दीजिए सर। राजेश ठाकुर सर। पूरे बिहार में कितने ये कॉम्प्लेक्स है ये सिनेमा हॉल पूरे बिहार में? पूरे बिहार में अभी 30 स्क्रीन लाइव है हमारा, 30 स्क्रीन लाइव है सिवान छपरा गोपालगंज और गोपालगंज और छपरा में है कि नहीं? गोपालगंज और छपरा में है कि नहीं? नहीं है, सारण में पहला है। सारण में। अच्छा लोग बता रहे हैं कि इसकी खूबसूरती जो है बिहार के बाकी से बिल्कुल अलग है और डिफरेंट दिख रही है, आपको क्या लगता है आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है सिवान कुछ खास है इसमें? ये हमारा लग्जूरियस मॉडल जो है जो सबसे टॉप क्लास का मॉड्यूल है वही मॉड्यूल हम लोगों को यहाँ पे सिवान में दिया है जो बिहार का पहला है, यहाँ का बिहार का ये पहला बिहार का पहला है जो लग्जूरियस सिनेमा है पूरा जिसमें रिक्लाइनर चेयर भी ऑटोमेशन भी है दोनों। ठीक थैंक यू। फूड में बहुत सारे स्नैक्स के आइटम मिलेंगे, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक, और अभी हम लोग जब अपना सिनेमा स्टार्ट करेंगे तो पब्लिक के लिए एक इंट्रोडक्टरी ऑफर कंपनी की तरफ से रहेगा, 27 सब लोग लाइव होंगे तो आपको एक अच्छे ऑफर मिलेगी पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक। इसका अपना रेस्टोरेंट भी रहेगा ऊपर में, अपना कैफेटेरिया सर है तो उसमें आपको सारे स्नैक्स कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक पॉपकॉर्न सारे कुछ मिलेंगे। सिवान के इस मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल जो है इसका आप मैनेजर हैं, कितना चैलेंज मानते हैं आप इस बात को? सर ये यहाँ के लिए बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे जैसे पब्लिक का रिव्यू है कि काफ़ी अच्छा है कि डिमांड काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे पब्लिक का इतनी क्वेरी आ रही है यहाँ पे कि मतलब हम लोग लग रहा है कि पूरा नहीं कर पाएंगे, अभी तो स्टार्ट होगा 27 को तो काफ़ी मतलब सारे शो हाउसफुल अभी जाने ही वाले हैं और कल की से हम लोग इसको 27 को ओपन कर रहे हैं 1 बजे से अपना तो काफी गिरावट आ गया है, लोग सिनेमा घर तो बहुत कम संख्या में जा रहे हैं क्योंकि मोबाइल का जमाना है, लोग मोबाइल के जमाने सर इसमें मैं बोलूंगा कि देखिए कंटेंट भी कुछ है अपने तो कंटेंट अपने आ रहे हैं अच्छे, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसको थोड़ा ज्यादा ये करें कि पब्लिक के बीच आए तो पब्लिक अपना यहाँ पे आके बड़े स्क्रीन पे एंजॉय करें, जो कि हम लोग यहाँ सर्विस दे रहे हैं कि 2K स्क्रीन दे रहे हैं, अपना डॉल्बी सराउंड साउंड दे रहे हैं जो 7.1 रहेगा सर, तो उसके लिए आप लोग मोस्ट वेलकम है। कितने बजे से शो स्टार्ट होगा पब्लिक के लिए? सर हम लोग शाम में 6 बजे के बाद का शो रख रहे हैं, 6 बजे हाँ 1 बजे का सर अपना प्रोग्राम है, उसके बाद 6 बजे की शो रहेगी पब्लिक। ठीक है सर। 28 से नेक्स्ट डे से फुल फेज में स्टार्ट होगा, पहला शो 9 बजे से होगा। अगर लौट जाएंगे ऐसे में कैसे मैनेज करेंगे आप? सर उनके लिए है कि सर मॉर्निंग से हम लोग नेक्स्ट डे से कुछ ज़्यादा ही जल्दी शो रखेंगे ताकि सारे पब्लिक यहाँ पे आ जाए, हम लोग चाहेंगे कि जब जितने ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आए सभी को हम लोग बेहतर एक मौका दें सेवा देंगे यहाँ से। टिकट कितने घंटे पहले, टिकट जो है कितने घंटे पहले जितना खा सकते उतना ही ना खाएंगे? टिकट आपको जैसे कल से लाइव होगा आप हमारे जो कंपनी के वेबसाइट है ticketing.thecomplex.com यहाँ से आप टिकटिंग ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, उसके बाद हमारे और भी पार्टनर्स हैं
ऑनलाइन बुकिंग के बुक माई शो पेटीएम वहाँ से बुक कर सकते हैं। कस्टमर्स के लिए ये अभी एक अच्छा ऑफर है कि हमारे कंपनी की वेबसाइट से अगर बुकिंग कर रहे हैं तो वहाँ से अभी उनको जो एक एक्स्ट्रा कन्वीनियंस फी लगता है, जो थोड़ा एक बर्डन लगता है कस्टमर को, वहाँ अभी वो चार्जेस नहीं लग रहा है। ये एक ऑफर है, यहाँ पे भी टिकट ले सकते हैं। यहाँ हमारा ऑफलाइन भी काउंटर स्टार्ट हो जाएगा, टिकट वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। टिकट काउंटर कितने बजे से खुलेगा और कब तक खुलेगा? सुबह 8 बजे से खुल जाएगा सर, क्योंकि शो टाइम से 1 घंटा पहले खुलेंगे और रात को 10 बजे का शो रहेगा तो 10:30 बजे तक रात को रहेगा सर। अच्छा, एडवांस भी बुकिंग की फैसिलिटीज रहेगी क्या? अगर एडवांस सर 3-4 दिन पहले हम लोग ओपन करेंगे सर, तो अभी जैसे अभी स्टार्ट हो रहा है तो ये कल से हो जाएगा 27 फ्यूचर। आगे आपका जो फ्राइडे मूवी का रिलीज हो गया तो उससे 3-4 दिन पहले ही हम लोग एडवांस ओपन कर देंगे। एडवांस बुकिंग होगा तो? हाँ जी, ठीक है सर, हो गया ठीक। सिवान के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। सिवान जैसे शहर के लिए ये एक बड़ी तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 24 न्यूज़ के बाद में। एक बार फिर से मुकाम दर्शकों को बता दीजिए, हमारे पास जो है सिवान कितना एमएम का पर्दा है?